नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर आप जिंदा है? ठाकुर, हे भगवान, मुन्ना, ये तेरे पापा है? पापा, पापा। ठाकुर आयन, ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं, ये किसी को नहीं पहचानते। नहीं ठाकुर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठाकुर याद कीजिए, ये छोटा सा था जब आप इससे अलग हो गए थे। देखिए इसे, याद कीजिए इसे, इसका प्यारा प्यारा बचपन याद कीजिए। ठाकुर इसका इसका मुंडन संस्कार याद कीजिए। ठाकुर याद कीजिए, याद कीजिए हमारी शादी की सालगिरह याद कीजिए। ठाकुर हमारे महल में नाच गाने का जश्न याद कीजिए। याद करिए वो ठाकुर, ठाकुर याद करिए वो हमारी हमारी शादी की सालगिरह और हमारे महल में वो नाच गाने का जश्न। ठाकुर और राजा और मेरे साथ हाथी की सैर। ठाकुर याद कीजिए वो, याद कीजिए वो ठाकुर, याद कीजिए वो, याद कीजिए, याद कीजिए ठाकुर, याद कीजिए। और उसके बाद उस बकार जसवंत के साथ आपका आपका शिकार भेजा नहीं, याद कीजिए ठाकुर, याद कीजिए, याद कीजिए ठाकुर, ठाकुर याद कीजिए। हरदाम, उस दिन तो तू मेरी गोली से बच गया था, लेकिन आज तेरे साथ साथ तेरी बीवी और बेटे को भी खत्म कर दूंगा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, जसवंत मुझे मार डालेगा, मेरे बच्चे को मार डालेगा, मेरी बीवी को मार डालेगा, जसवंत सबको मार डालेगा। लेकिन जसवंत यहाँ नहीं है ठाकुर साहब, ये सब मेरे आदमी है। विक्रांता ठीक कह रहा है ठाकुर, ये ठीक कह रहा है ठाकुर साहब, ये आपका वहम है। लेकिन गोली मुझे जसवंत नहीं मारी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ की मौत ट्रक के नीचे कुचलने से नहीं हुई थी, उसे जसवंत नहीं मारा था, और ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ। कोई सबूत है आपके पास ठाकुर साहब? सबूत है, 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 है सबूत मेरे पास, है, है, है मेरे पास, अभी दिखाता हूँ। जसवंत के कपड़ों का पंछी जो तुम्हारी मरी हुई माँ की मुट्ठी से गिरा था, इसे मैंने उठा लिया। वाह गोटे वाह, वाह वाह, ये हुस्न मुजस्सम, ये शोला और शबनम, कल की महफिल में जब ये कातिल हसीना नाचेगी तो हमारी सालगिरह की गोल्डन जुबली सचमुच सुनहरी हो जाएगी। मैं नहीं नाचूंगी, हरगिज नहीं नाचूंगी, मेरा देवता विक्रांता है। नूरी भाई, आज से तेरे देवता हम हैं। क्या तू चाहती है कि तेरा नाच तेरे बेटे की चिता पर हो? नहीं, नहीं, नहीं। मैं नाचूंगी, जरूर नाचेगी, और आज से हमारी बारादरी में हमारी रखेल बन के रहेगी। तो कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब। तू ही है वो हत्यारा जिसने मेरे बच्चे को उठाया था। हाँ, तेरे कारण मेरे दोनों पैर बेकार हो गए। हाँ बहन, मैं आपका गुनहगार हूँ। मेरी पत्नी और इकलौती बेटी गुड़िया आपके पति के जुल्म का शिकार हो गई थी, इसलिए मैं आपकी बेटी को उठाकर ले गया था। ले तो गया था उसे गला घोटकर जान से मार डालने के लिए, लेकिन उसकी मासूम आंखों में मुझे अपनी गुड़िया नजर आने लगी।
इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाल लिया। मतलब मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी निर्मला जिंदा है। हाँ बहन, बता बता कहाँ है वो? इसकी बात पर न जाना जयश्री, ये अव्वल दर्जे का मक्कार, शराबी और धोखेबाज आदमी है। ये अपने कोठे पर नाचने वाली लड़की को हमारी बेटी साबित करना चाहता है। आप हर चीज को कानून के चश्मे से क्यों देखते हैं? कैसे पिता हैं आप? अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी खबर सुनकर भी आपका दिल नहीं पसीजा? ठहरो जयश्री, ममता के अंधे जज्बात में बहने से पहले मुझे असलियत मालूम करने दो। अगर तूने वाकई मेरी बेटी को यहां से उठाया था तो बता इनमें से कौन है मेरी बच्ची? ये साहब, ये आपकी बच्ची है, ये निर्मला। हाँ साहब, यही बच्ची है आपकी। मम्मी, ये बिल्कुल सही कह रहा है, यही मेरी बच्ची है। इसका मतलब विक्रांत डाकू मेरा दामाद है और वो बच्चा हमारा नवासा। जय श्री। किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है तकदीर ने मुझे आज? कमिश्नर साहब, भगवान के लिए अपनी बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी बचा लीजिए साहब, भगवान के लिए साहब। Happy birthday, everyone! For your golden birthday, a golden present. Oh, beautiful, beautiful. Please. Thank you. कौन है ये गुस्ताख? ले, संभाल, अपना बच्चा। तू? बेटी, बेटी मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। जमाने के जुल्मो सितम ने मुझे एक शराबी बना दिया था। हाँ, हाँ बेटी, मैं और जब नशा उतरा तो तुझे वापस लाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, रुपए जमा किए, तेरी बहुत तलाश की बेटी। देखा बेटी, देखा ऊपर वाले का इंसाफ, ये चंडाल औरत इस मुन्ने की जान लेना चाहती थी। है कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, बेटी मैं तेरा बाबा नहीं बेटी, नहीं बेटी, मैं तेरा बाबा नहीं। ये कमिश्नर साहब तेरे पिता हैं बेटे, कमिश्नर साहब तेरे पिता हैं। क्या ये सच है? हाँ, ये ठीक कह रहा है। जब तुम बच्ची थी तो ये तुम्हें हमारे घर से उठा कर ले गया था। कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, आप अपनी अपनी बेटी को घर ले जाइए कमिश्नर साहब, वरना वरना ये खूनी दरिंदा वैसी बदमाश, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। बाबा नहीं, माफ नहीं, माफ कर दे। कमिश्नर साहब, ये कमीना इस मशहूर तवायफ नूरी बाई, मेरा मतलब है कि आपकी बेटी के इस बच्चे को किडनैप करना चाहता था। मैंने तो इस पर गोली चलाकर कानून की मदद की है कमिश्नर साहब। ये झूठ है, ये हत्यारा है, इसने बाबा की जान ली है, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मैं अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इन विदेशियों के आगे पागलों की तरह नाचे, वरना ये मेरे बच्चे की जान ले लेता। जान लेना और औरतों की इज्जत से खेलना तो जसवंत की पुरानी आदत है, मशगला है। ओए हरनाम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू जिंदा है? यानी विक्रांता की गोली खाने पर भी तू मरा नहीं? मत छू मुझे कमीने, गोली मुझे विक्रांता ने नहीं तूने मारी थी। कमिश्नर साहब, इसकी गोली खाकर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा,
और दर दर की ठोकरें खा रहा था, ये विक्रांता ने मुझे बचा लिया। फिर इसने मेरी पत्नी की इज्जत लूटनी चाही, उसकी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की, उन्हें भी विक्रांता ने ही बचाया। ये इंसान नहीं शैतान है, दरिंदा है दरिंदा। कमिश्नर साहब, विक्रांता तो फरिश्ता है, फरिश्ता। ठाकुर जसवंत सिंह, आज तुम्हारी मक्कारी और गुनाहों का रंगीन पर्दा पूरी तरह चाक चाक हो गया है और तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। बोलो, कौन है तुम्हारे ये गैर मुल्की मेहमान? ये आप कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हैं कमिश्नर साहब? ये सब तो मेरे दोस्त हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। ये लोग दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। और इन मटकों में कोकेन, ब्राउन शुगर, गांजा और अफीम है। जी हाँ। इस संदूक में क्या है? कमिश्नर ब्रदर, इस संदूक में सोने के बिस्कुट और अमेरिकन डॉलर्स। जसवंत ब्रदर हमको वो माल देता है, हम जसवंत ब्रदर को ये माल देता है। हमारी ये तिजारत बरसों से चली आ रही है, यहाँ की पुलिस इसे देखकर भी देखती नहीं। इसलिए कमिश्नर साहब, समझ लीजिए कि आपने भी कुछ नहीं देखा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट दिस मैन। जसवंत ब्रदर, जिस देश में ऐसा डेंजरस पुलिस ऑफिसर हो वहां रहना बहुत खतरनाक है। अब आपके पास हमारे मुल्क में गोल्ड है और यहाँ गन है और ये ब्यूटीफुल गोल्डन गर्ल। अब तुम अपने पुलिस वालों के पास वापस जाओ। जाइए। और क्रिस्टो, तुम उस बच्चे को खलास कर दो। जरूर जरूर। नहीं, विक्रांता नाम है मेरा। ए, पकड़ो उसे! अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना आज इसका जन्मदिन इसकी मौत का दिन हो जाएगा। मुनीम, तू ही ले गया था ना पिताजी को हवेली में? बोल, उनकी हत्या कैसे हुई और किसने की? बेटा, तेरे बापू से जमीना के कोरे कागज पे ये दस्तखत करवाना चाह रहे थे रिश्वत दे करके। तेरे बापू ने ना बोला, इन्होंने तेरे बापू को जान से मार डाला। मैंने वो समझाया, मत मारो, मत मारो। वकील जी, जमीनों के जाली कागजात किसने बनवाए? मैंने, लेकिन लेकिन ठाकुर साहब के कहने पे बनाए थे। खोटे, बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है ना तू, जो खरी रिपोर्ट को खोटी कर देता है। बोल, थाने के सिपाहियों को किसने मारा? बोल। ठाकुर साहब ने। और डीआईजी खान के घर में पुलिस के लूटे हुए हथियार किसने रखवाए? बोल। मैंने, लेकिन ठाकुर साहब के कहने पर। देख लिया कमिश्नर साहब, डाकू मैं नहीं ये है, खूनी मैं नहीं ये है। कमीने! थैंक यू जॉन। बाबू, खबरदार सिपाहियों, अपने हथियार नीचे फेंक दो, वरना तुम्हारे कमिश्नर की खोपड़ी उड़ा दूंगा। कम ऑन जसवंत ब्रदर, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट फास्ट। गार्ड, होशियार, उड़ा दो हरामजादे को। कमिश्नर साहब, अपनी पुलिस वैन में हमें सरहद पार करवाइए। चलिए चलिए चलिए, बैठिए अंदर। चलो।
ये कमबख्त ऊंट कहां से आ गए? ये क्या हिंदुस्तान की सड़कों पर ऊंट? क्रिस्टो हाँ, ये ऊंट रास्ता रोके बैठे हैं, जाके हटाओ इन्हें। ओके जाओ। अरे पीछे से भाग निकलो। कमिश्नर साहब शाबाश, गॉड ब्लेस यू माय सन। जाइए सर। अच्छा अच्छा बेटे। विक्रांता था, हाथ में बंदूक हो तो गीदड़ भी शेर हो जाता है। मेरे बाप का खून, तूने गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली, तूने एक ईमानदार पुलिस अफसर पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे हथकड़ी लगवा दी, तूने मेरी देवी जैसी माँ की जान ली हरामजादे। आज मैं तेरे हर जुर्म का हिसाब गिन गिन के लूंगा कमी। आ,
चाची चाची ये तूने क्या किया चाची? तू बीच में क्यों आई? मैं बीच में ना आती तो तेरे पिता की अस्थियां जो तेरी माँ ने मुझे सौंपी थी खेतों में कौन डालता बेटा? अम्मी जान जा बेटे, तेरी चाची का दम उस शैतान का खात्मा देखे बगैर नहीं निकलेगा। जा, तुझे खुदा का वास्ता, जा बेटा, जा। जा विक्रांता, जा। कहा है जसवंत, भगवान की धरती बहुत बड़ी है और तेरे गुनाहों के कदम बहुत छोटे। जिस तरह एक जख्मी सांप अपने बिल से निकलकर जान बचाने के लिए भागता है, आज मैंने तेरी वैसी हालत कर दी हरामजादे। भाग सकता है तो भाग। ले भैया, इसमें तेरी माँ की प्यार की भक्ति, एक बहन की दुआओं की शक्ति और तेरे बापू का आशीर्वाद शामिल है। ले। और मार इसे। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे सारे खेत वापस कर दूंगा, तुम्हारा घर नोटों से भर दूंगा, इस तराजू में तुम्हें सोने की ईंटों से तोल दूंगा, मुझे जानने दो। आज मेरी बंदूक के आगे तेरी इन हराम की चीजों का वजन बहुत कम है जसवंत, बहुत कम है। नहीं विक्रांता, ये रहे जमीनों के वो जाली कागजात जिन पर तुम्हारे पिता चौधरी अमर सिंह के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लगवाए गए थे। गांव वालों, आज से तुम सब अपनी अपनी जमीनों के मालिक बन गए। ये
जसवंत की लाश को कब्जे में ले लो। ओके साहब, नाव सच्चाई की साहिल पे पहुंच जाती है। मारने वाले से भगवान बड़ा होता है। ये सच्चाई की आवाज है कमिश्नर साहब, मैं अपने देश के कानून की इज्जत करता हूं। कमिश्नर साहब, अगर हमारे देश का कानून जालिमों के लिए तलवार और बेगुनाहों के लिए ढाल बन जाए तो हमारे देश की तकदीर को कोई जालिम खिलौना बनाकर नहीं खेल सकता है। विक्रांता, मैं वादा करता हूं कि इंसाफ की रोशनी में तुम्हारा ये पैगाम मैं इस मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा दूंगा। विक्रांता, विक्रांता बेटे,